कई लोग दावे करते हैं कि हम चक्र ध्यान कर रहे थे या हम कुंडलिनी जागरण की तरफ पढ़ रहे थे, तो हमारे पास इतने सारे एक्सपीरियंस हुए, हमें कुछ एनर्जी फील हुई। तो क्या वाकई में ये सब चीज़ें सच होती हैं? मतलब कहाँ जाके वो इंसान डिफ्रेंशिएट करे, एक फाइन लाइन लाए कि हेलुसिनेशन नहीं है या आपके ये दिमाग की उपज नहीं है? क्योंकि डेफिनेटली अगर हम साइंटिफिक तौर पे बात करें तो हर चीज़ साधना, हर चीज़ ऊर्जा और हर चीज़ वो महसूस करना नहीं होता, कई बार हमारे हेलुसिनेशंस भी होते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट है। दैट पर्सन नोज कि वो हेलुसिनेट करता है या ये सच्ची में हो रहा है। कैसे पता करेंगे? वो हर एक जानता है, हर हर एक को अंदर से मालूम होता है कि ये मैं सिर्फ हेलुसिनेट कर रहा हूं। एवरीबॉडी नोज। ऐसा दिखावा बहुत सारे लोग करते हैं ना, सच है नहीं है ये मैं जानूंगी, मुझे मालूम है कि मैं सच बोल रही हूँ कि मैं दिखावा कर रही हूँ। सो हर एक को मालूम है, लेकिन जरूरी नहीं उनको बताना कि ये तुम बोल रहे हो वो सब तुम्हारा भ्रम है। इट्स ओके, फाइन, गलत तो कुछ नहीं है ना, बुरा तो नहीं कह रहे ना, तो छोड़ दो ना उनके हाल पे। जब उनको एक्चुअली पता चलेगा सच्चाई क्या है तो पता चलेगा बट इससे भ्रम नहीं फैलता मैम, जी। इससे भ्रम भी फैलता है। इसे भ्रम फैलता है, बट यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। जो जब अच्छी चीज होती है तो बुरी चीज भी होती है साथ में, तो लोग उनकी बातें सुन के उनके दिमाग में आएगा कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मुझे भी ऐसा होना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सब चीज पे विश्वास मत रखो। इट शुड बी योर एक्सपीरियंस, इट्स योर लाइफ, योर एक्सपीरियंस। मैं मास्टर जस्ट टू से कि डोंट कोट द बुद्धा, बिकम द बुद्धा। वाओ, करेक्ट। सो ये है वो, आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए। लोगों ने इसने ये कहा उसने, इट व्हाई शुड इट बॉदर यू, उसको हुआ बहुत अच्छी बात है। जब मुझे होगा तो वो मेरी सच्चाई होगी। ट्रूथ इज अनट्रूथ टिल इट बिकम्स योर ट्रूथ। जब ये मेरी सच्चाई होगी तो मेरे लिए ये ट्रू है, ये तुम्हारी सच्चाई है, मैं क्यों मानूं? तुमने कहा आम मीठा होता है, ऐसे कहा आम मतलब क्या, मेरे को नहीं मालूम। आई डोंट नो व्हाट आम इज, तुम कह रही हो मीठा होता है, पता ही नहीं है तो मुझे कैसे पता ही बताएंगे नहीं है। स्वाद कैसा है? तो ये तुम्हारे लिए मीठा है, मेरे लिए तो पता ही नहीं क्या बोल रही हो। हाँ तो ये मेरी सच्चाई नहीं है आम की। जब तक ये मैं आम हाथ में ना लूं और चखूं और खाऊं, तब तक ये मेरी सच्चाई नहीं बन सकती ना। अनुभव बहुत जरूरी है। हाँ, लेट इट बिकम योर ट्रूथ। सो हर कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी हो, ये तुम्हारे लिए जब तक नहीं होता है तब तक इट डजेंट मैटर। आपके लिए हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। इट इज ऑल अबाउट यू, लाइफ इज ऑल अबाउट यू, YOU इन कैपिटल लेटर्स एंड इनवर्टेड कॉमास। यही प्रॉब्लम है हमारी, हम बाहर देखते हैं इसको क्या हुआ, उसको क्या हुआ, ये हुआ, इसको बुरा हुआ, उसको अच्छा हुआ, अरे इसको भूत ने लपेट लिया, भाई ऐसे ही चल रहा है ना सब। इसको भूत ने लपेट लिया तो मुझे भी डर लगता है, जरा ठुक हो गया तो मुझे भी भूत ने लपेट लिया। ये क्या नॉनसेंस है, ये भूत क्या है मैम, भूत है ही नहीं ये क्या है? ये आई मीन हिंदी पिक्चर्स ने, सॉरी, ये सब क्रिएटेड, सब हाँ हवा है, सब खामखा के डरा के रखा है सब कुछ। मैम, गुरु पर बात की आपने, अपने गुरुजी के बारे में भी शेयर किया, पहले कौन थे, अभी आपके लिविंग गुरु कौन है। तो अगर आपकी बात की जाए, अगर आपकी जर्नी देखी जाए, तो आप पहले शिष्य थी, आपने बहुत कुछ सीखा 30-35 साल पहले, और अभी भी आई थिंक सीखना किसी का बंद नहीं होता, लेकिन अभी एक चेंज आया है, अभी आप सिखा रही हैं लोगों को। तो क्या आप चेंज महसूस करती हैं आपको, आपकी जब मैं शिष्य थी और अब मैं खुद गुरु हूँ? जब आप शिष्य होते हैं तब आप बिंदास होते हैं, गुरु देख रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा मास्टर नहीं देख लेगा, होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर भी यहाँ पे मैं एक खुलासा करना चाहती हूँ। गुरु वर्ड जो आपने यूज किया, आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ अ गुरु, आई एम नॉट अ गुरु। यू कॉल मी अ टीचर, मेंटर, गाइड, कुछ भी, नॉट गुरु। क्यों? लोग पूछते हैं मुझे कि मैम आप हमारी गुरु हैं। ये बोलने में गुरु शब्द का बहुत एवे यूज हुआ है, बहुत गलत तरीके से यूज किया। गुरु जो है वो गुरु तत्व से बनता है, जैसे हमारे पंच तत्व है वैसा एक छठा तत्व है जिसको गुरु तत्व कहते हैं। व्हेन यू आर इन दैट गुरु तत्व स्टेट, यू आर अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म ह्यूमन बीइंग एंड यू कैन ट्रांसफॉर्म अदर्स। अपने हाथ से, अपने प्रेजेंस से यू कैन ट्रांसफॉर्म अदर्स। ओके,
दैट इज अ गुरु। क्या गुरु के लिए कोई क्राइटेरिया भी होता है मैम, कि गुरु अगर कोई अपने आप को कह रहा है या लोग उसको गुरु मान रहे, जो आपने छठे तत्व की बात की, अगर वाकई वो तत्व वो है गुरु है, तो क्या उनको एक पर्टिकुलर इस फ्रेम सेट में होना चाहिए कि जी उनकी लाइफ में सिर्फ शिष्य ही हो या वो सिर्फ सिखा रहे हो, उनकी अदर कोई लाइफ ना हो, कोई सोशल लाइफ ना हो, या जैसा हम एक गुरु का पोर्ट्रे करते हैं इमेज, क्या ऐसा ही होना चाहिए या वो उनका एक गुण है और उनके बाकी गुण भी हो सकते हैं? उनका एक गुण है, बाकी गुण भी हो सकते हैं। गुरु का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में ऐसा है कि अच्छा ये गुरु है और इसने जीन्स पहन के रखी है, ये कैसा गुरु है? ये हमारे दिमाग में हमने सोच के रखा है कि गुरु का अटायर ऐसे ही होना चाहिए, सफेद सदरा और लहंगा पजामा, सफेद धोती कुछ जो भी है, कुछ माथे पे फील नहीं आएगा कि हाँ, गुरु है। ये हम लोगों के कॉन्सेप्ट है। गुरु इज अ नॉर्मल गुरु लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग, बस उसके साथ उसके पास गुरु तत्व है, जो अगर आप पहचान सकते हैं, गुरु को तो पता चलता है, आप वो अगर चीज पहचान सकते हैं तो वो आपके गुरु है। लिबास से, बाहरी दिखावे से कोई गुरु नहीं बनता है, गुरु अंदर से बनते हैं। हम लोग ये सारे परसेप्शन से गड़बड़ा गए हैं, इट इज आवर परसेप्शन। तो अगर आपने आपके गुरु को जीन्स में देखा, टी शर्ट और जीन्स में, तो वो गुरु नहीं है फिर। ऐसे कैसे हो सकता है, समझे? सो वी आर सो अकस्टम्ड, माइंड इतना अकस्टम हुआ है, कंडीशनिंग इतनी हुई है कि गुरु बोलो तो मतलब ऐसा ही होना चाहिए, फलाना बोलो तो ऐसा ही होना चाहिए। आपको प्रॉब्लम आई कहीं ये कि कभी किसी ने सोचा हो या आपको किसी थर्ड पर्सन से सुनने को मिला हो कि एक बॉलीवुड की बहुत फेमस एक्ट्रेस जिसने बहुत ही लेजेंडरी रोल किए हैं, वेटरन एक्ट्रेस है, वो गुरु कैसे बन गई, वो कैसे टीचर? हाँ, ये हमेशा शुरुआत में तो बहुत सारे लोगों के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह थे कि ये तो एक्ट्रेस है, ये क्या हमको गुरु ज्ञान, ये क्या हमको स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान देगी। मैं गुजर चुकी हूँ उस दौर से, बट मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं क्या हूं ये मैं जानती हूं, इसको कोई हिला नहीं सकता। मैंने अपने अपने ऊपर क्या काम किया ये उनको नहीं मालूम, ये मुझे बाहरी दिखावे से जज कर रहे हैं। कैसे समझाया आपने, क्योंकि बहुत मुश्किल, इट डिडंट मैटर टू मी, इट डिडंट मैटर, माय गुरु वाज देयर टू गाइड मी ना। ये चीज अगर मुझे अफेक्ट करना शुरू करेगी तो फिर खत्म, तो फिर मेरे अभ्यास का क्या ये है? I have to rise above this from inside. I can't go down with their thoughts. ये उनके विचार हैं, उनका perception है. Then when I open my mouth, फिर उनको समझ में आता है, फिर वो चुप रह जाते हैं. आखिरी सवाल मैम.